अपने एक दिवसीय दौरे पर सुल्तानपुर पहुंचे डिप्टी सीएम केशव मौर्य। वहीं मौसम खराब होने के नाते हेलीकॉप्टर यात्रा छोड़ सड़क मार्ग से सुल्तानपुर पहुंचे। लगभग 12:30 के करीब लखनऊ वाराणसी फोरलेन के असरोगा टोल प्लाजा पर भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता व पदाधिकारियों ने उनका स्वागत अभिनंदन किया। इसके बाद डिप्टी सीएम सीधे बीजेपी कार्यालय पहुंचे, जहां कार्यकर्ता और पदाधिकारियों से वार्ता कर पार्टी रणनीति पर चर्चा की। इसी क्रम में डिप्टी सीएम जिले कलेक्ट्रेट पहुंचकर जिलाधिकारी रविश गुप्ता, पुलिस अधीक्षक सोमेन वर्मा और मुख्य विकास अधिकारी अतुल वत्स समेत विभागीय अफसरों के साथ समीक्षा बैठक की। वहीं लखीमपुर में सगी बहनों के दुष्कर्म कर हत्या पर डिप्टी सीएम केशव मौर्य ने अपराधी और उनके संरक्षणदाताओं को स्पष्ट संदेश दिया। कहा कि अपराधी न बच पाएंगे और न ही कोई उन्हें बचा पाएगा। इस दौरान उन्होंने बच्चे पकड़ने वाली अफवाह पर सख्त संदेश देते हुए कहा, ऐसे लोगों पर तत्काल सख्त कार्रवाई की जाए। पीडब्ल्यूडी अफसरों को निर्देश दिया कि निर्माण कार्य के दौरान आवागमन साफ रखा जाए, जिससे लोगों को आने जाने में समस्या का सामना न करना पड़े। लखीमपुर कांड के अभियुक्त गिरफ्तार कर लिए गए हैं। हम पीड़ित परिवार के साथ संवेदना के साथ खड़े हुए हैं। यह हम संदेश देना चाहेंगे कि अपराधी और उनके संरक्षणदाता किसी भी दशा में ऐसे गलत काम करने वालों को बचा नहीं पाएंगे। उन्हें बख्शा नहीं जाएगा, उनके खिलाफ कठोर से कठोर कार्रवाई की जाएगी। वोट प्राप्त करने के लिए खास लोगों की तरफ से मदरसे का सर्वे होने को मुद्दा बनाते हुए प्रचार प्रसार किया जा रहा है। जिनके पास मदरसा चलाने से संबंधित पर्याप्त विधिक प्रपत्र नहीं है, वो मुख्य धारा में आकर प्रपत्र लें। हम सभी चीजों का सर्वे कराते हैं। प्रधानमंत्री जनधन योजना, स्वामित्व योजना जैसे अन्य बहुत से सर्वे चलाए जा रहे हैं। विरोधी हमारे इसे मुद्दा बनाकर मदरसे पर राजनीति कर रहे हैं। कम से कम चलने लायक बनाया जाए। अक्टूबर नवंबर में चूंकि वर्षा काल में किया जाता है काम, वो खराब हो जाता है, उसे शीघ्रता से पूरा किया जाए। बाकी जो जिले के अन्य निर्माणाधीन मार्ग है उनको समय पर तो पूरा करें। तो गड्ढा पुट्टी का अभियान भी जैसे वर्षा समाप्त होती है चालू हो जाए। दुर्भाग्यपूर्ण, दुखद और पीड़ाजनक घटना है। इस पीड़ा की घड़ी में हम उस परिवार के साथ हैं। और आपकी जानकारी के लिए अगर मैं बताना चाहूँ तो उसके 6 अभियुक्त जो थे वो गिरफ्तार कर लिए गए हैं और बाकी सारी जो घटना हुई है उसकी विस्तृत जांच की जा रही है। और ये मैं जरूर कह दे रहा हूँ, कोई भी अपराधी अपराध करेगा ना वो बच पाएगा और ना कोई उसे बचा पाएगा। इस अपराध के भी जो दोषी हैं उन अपराधियों के खिलाफ भी कठोर से कठोर कार्रवाई की जाए। अखिलेश यादव जी का कहना है कि आप उनके साथ आ जाएं तो वो आपको मुख्यमंत्री पद देना चाहते हैं, उसके संदर्भ में आपका क्या कहना है? लगातार अखिलेश यादव जी मोबाइल ठीक नहीं है, मैं डॉक्टर नहीं हूँ, उनको दवा देता। स्टेशन में है जहाँ सुशील जीतने का दावा कर रहे थे, एक तो गेरा पर सिमट गए हैं, अगली बार गेरा भी बचेंगे कि नहीं बचेंगे। आजमगढ़ उनके स्वयं की संसदीय सीट थी और आजम खान जी की सीट रामपुर थी, वहाँ कमल खिल चुका है। 2024 में सभी 80 सीटों पर कमल खिलेगा और श्री अखिलेश यादव जी के प्रति मेरी सहानुभूति है, लेकिन वो अपने विधायक नहीं बचा पा रहे। वो सब हमारे यहाँ आने के लिए लाइन लगाए हुए और हमारे पास 255 भाजपा के, बाकी हमारे गठबंधन के सारे विधायक हैं और हमारी सरकार दमदारी से चल रही है। उत्तर प्रदेश के विकास देखिए, माननीय प्रधानमंत्री जी ने क्या कहा है आप सब लोग जानते हैं, न खाऊंगा न खाने दूंगा, और जिसने भी खाया है उससे भी वसूल करके जिनका लूट करके गरीबों का लूटा है, प्रदेश को देश को लूटा है, वो सब वसूल करके उनके लिए फिर योजना बना करके उन तक पहुंचा दूंगा। अब इससे ईडी के सीबीआई के कोई छापे पड़ रहे हैं जो बेईमानी करेगा, भ्रष्टाचार करेगा, अपराध करेगा, उसके छापे पड़ते हैं, पड़ेंगे। जांच एजेंसी का काम जांच करना है, विपक्ष की आवाज उठाने से कोई जांच एजेंसी अपनी जांच नहीं बंद कर रही है। बीजेपी में आने से भी जाते हैं, ये जो लोग कहते हैं वो अपने निश्चित तौर से कोई भ्रष्टाचार के आरोप से घिरे होंगे, उनके खिलाफ भी जांच की कोई आज पहुंचने वाली होगी। अपने बचाव में अनुमत से बड़ी समस्या है, उसके लिए भी निर्देश